नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब चंद ही दिन बचे हैं, ऐसे में नेताओं और मंत्रियों के दौरे भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार यानी कि आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा प्रदेश के 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है। अमित शाह आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में संगठन की सबसे बड़ी बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं का जीत का मंत्र देंगे। इसी के साथ आज से पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यकर्ता अपना अपना मोर्चा भी संभालेंगे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह के वाराणसी में लगभग 700 पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने की उम्मीद है। शाह विपक्षी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में भी एक रैली करेंगे। आज की यात्रा शाह की उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख यात्राओं में से एक है। काशी से यूपी को साधने की तैयारी के मद्देनजर आज वाराणसी में बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, चुनाव से प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य संगठन महासचिव, क्षेत्रीय अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों और सभी 403 विधानसभा सीटों के प्रभारी के आज के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम की कमान खुद शाह संभालेंगे। बता दें कि बैठक के शुरू होने का समय 1 बजे है, लेकिन शाह शाम से करीब 5:20 पर बैठक में शामिल होने के लिए दीनदयाल हेलीक्राफ्ट सर्कल पहुंचेंगे। यहां से 8:35 बजे अमेठी कोठी पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान सदस्यता अभियान समेत भाजपा की चुनावी तैयारियों का भी फैसला होने की संभावना है। अपने दौरे के आखिरी दिन शाह ने जिलों में कई चुनावी रैलियों को संबोधित भी कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं टिकटों के बंटवारे को लेकर भी अमित शाह की नजर रह सकती है।